जब पूरी दुनिया कोरोना का तोड़ तलाश रही है और इधर अयोध्या में महंत तपस्वी छाबनी के संत परमहंस ने चीन से पहुंचे जानलेवा वायरस का आसान तोड़ निकाल लिया है। बुधवार को अयोध्या की तपस्वी छावनी में यज्ञ का आयोजन किया गया। दावा है कि यज्ञ में हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों की आहुतियां दी गई हैं। हवन के दौरान राम नाम का लगातार जप भी किया गया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यज्ञ संपन्न होने के बाद संत परमहंस ने दावा किया कि जो इस उपाय को करेगा वो कोरोना से सदा बचा रहेगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया के कोई भी देश हो, जय श्री राम का जाप दवाई के रूप में सब लोग कम से कम एक घंटे में 15 बार करें और टीका लगाएं, चोटी रखें और भारतीय परिधान का उपालन करें। इससे कोरोना वायरस बहुत दूर हो जाएगा और इसके लिए हमने जो वैदिक प्रयोग किया है निश्चित रूप से आज के बाद से इसमें जो है तो बड़ा वो देखा जाएगा। कोरोना को हराने की ये कोशिश नायाब है। कुछ ऐसी ही कोशिश लखनऊ में हिंदू महासभा की तरफ से हुई। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज मार्केट में कोरोना वायरस से बचने के लिए हवन सामग्री बांटी। देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पे एक आयोजन किया है जिसमें हम लोग गौमूत्र दे रहे हैं लोगों को और हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने मंत्रों के द्वारा शुद्धिकरण किया है। कुछ लौंग हैं जो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान में कतई लोगों को प्रभावित ना कर सके। इन बातों से लगता है कि अचानक देश में कोरोना एक्सपर्ट की बाढ़ आ गई है। कुछ दिन पहले असम की एक बीजेपी विधायक ने कोरोना से बचने का नायाब तरीका बताया था। जब एयरबोर्न डिजीजेस है तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए जिसमें काऊ डांग के साथ घी, गुगुल और जो अमरलता हम गिलोय बोलते हैं उसका रस मिला के अगर हम प्रयोग करें, साथ में और दो तीन चीज़ें हैं तो हम रस मिला के अगर हवन जैसे आहुति दे या यज्ञ करें तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे और कोरोना वायरस जैसे डिजीज से शायद ही मुक्ति मिले। कहावत है कि जितनी मुंह उतनी बातें। कोरोना को लेकर जिस तरह लोग अलग अलग देसी उपायों के साथ सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो जाहिर है कि इस खतरनाक वायरस को लेकर पूरा देश चिंतित है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।